यार बड़ी खुशी होती है बिकॉज मेरा वेब डेब्यू है, पहला वेब शो है, अलग किरदार है जो कभी ऐसा लोगों ने देखा नहीं मुझे. नॉर्मली एक परसेप्शन बन जाता है किसी के बारे में, चूंकि मेरी आवाज़ भरी है, मैं थोड़ा दिखने में ऐसा ऐसा, ऐसा दिखता हूँ अल्फा मेल जैसा. तो शायद एक लोगों के मन में बहुत था कि नेगेटिव अच्छा करते हैं या नेगेटिव मिलेंगे या कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा. किसी ने ऐसा कैजुअल अप्रोच किसी ने देखा नहीं था. एंड व्हेन मुझे ऑफर किया गया, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. तो मैंने कहा यार इसको अपने तरीके से करना चाहिए. और डायरेक्टर्स आर वेरी वेरी ब्रिलियंट. प्रिया मणि ऑब्वियसली माय को-स्टार, बहुत अच्छी दोस्त भी है मेरी पुरानी. तो एक अच्छी केमिस्ट्री थी सेट पे, बहुत लिबर्टी थी काम करने की, तो एक बड़ा मज़ा आया. और फिर अब जब इसका रिस्पांस देख रहे हैं तो और भी मज़ा आ रहा है. मुझे वो एक परसेप्शन थोड़ा ब्रेक करना था लोगों का कि बहुत लोग यानी आपको टाइप कास्ट कर देते हैं, या आपको एक टाइप कास्ट भी नहीं है उनका, एक आपको जैसे आप दिखते हो या जैसे आप रेगुलर लाइफ में नॉर्मल लाइफ में दिखते हो ना, वो कहीं से आपको वहीं से गैदर करते हैं वो लोग. मेरा ऐसा है कि नहीं यार मैं कुछ और हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा ऑन स्क्रीन मैं करता हूँ काम. सो आई थिंक मेरे लिए वो बड़ा एक्साइटिंग था कि किरदार थोड़ा बहुत सिंपल सा है, बहुत नॉर्मल आदमी है, हर एक की लाइफ में यू कैन रिलेट टू इट. कि आपका एक बेस्ट फ्रेंड होता है, आपका एक कॉन्फिडेंट होता है जिससे आप खुल के बात कर सकते हो, जहाँ जो चीज़ें आप घर पर नहीं कर सकते बातें, या जो चीज़ें आप घर पर नहीं कर सकते बातों के अलावा भी, वो आप बाहर लोगों से, आपको अगर कॉफ़ी पीने जाना है, आपको रेस्टोरेंट जाना है, आप एक दोस्त को बोलते हो ना चलना यार कॉफ़ी पीने चलते हैं, तो एक वैसा किरदार है. और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. एक साइकोलॉजी का प्रोफेसर है जो ऐसा कभी किया नहीं था कैरेक्टर, तो बड़ा करने में मज़ा है. एंड वो दिखता है फिर जब आप शिद्दत से काम करते हैं तो लोगों को भी मतलब शायद दिखा तो हाँ, मतलब मेहनत, मतलब इट वॉज फन डूइंग इट रादर, मैं मेहनत नहीं बोलूँगा. वो कैजुअलनेस लाना थोड़ा सा मेहनत होता है, वो बड़ा एक्टिंग ना दिखे और एक्टिंग भी कर रहे हो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट, एक अलग जोन होता है. बट डायरेक्टर्स को जाता है उसका श्रेय, जब तक वो ओके नहीं बोलेंगे तो मुझे तो नहीं मिलेगा. बट थैंक्स टू राजन डी केयर जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी. करते हैं करेक्ट करेक्ट, किसी को नहीं था हम में से, हमें पता नहीं अच्छी सीरीज कर रहे हैं हम लोग, बट इतना ज़्यादा बड़ा रिस्पॉन्स, इतना मतलब ज़बरदस्त रहेगा वो किसी को आइडिया नहीं था. मतलब तो हम मैं भी कल मनोज जी से यही बात कर रहा था, तो जैसी ज़बान उन्होंने बोली है शो में वैसी ज़बान में हम बात कर रहे थे, और शारिब मैं और मनोज जी, तो बड़ा ही मज़ा आया कि यार हमने सोचा नहीं था इतना बड़ा एक क्रेज़ हो जाएगा शो का. यार बड़े सारे मिले, बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिए हैं, और मतलब नए कुछ फैंस बने हैं जो मुझे फाइनली गुड लुकिंग बोल रहे हैं. तो वो है. एंड एक अलग रूप देखने को मिला मेरा, तो दे आर द व्यूअर्स आर क्वाइट हैप्पी विद दैट. यार मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था फर्स्ट डे, बिकॉज 20th को शो आया और मैं उसी रात को दिल्ली में था. किसी ने शो रात को ही देख डाला, मतलब 19 की रात को अप हुआ था, और सुबह ही वो आदमी मुझसे आके मिला. इट वॉज लाइक केम आउट, क्योंकि मैंने शो देखा नहीं था, सडनली इट केम आउट एज ए सरप्राइज कि यार ये आदमी कब देख के आ गया है, तो मैंने भी नहीं देखा अभी तक. तो बोला सर मैंने रात को अप हुआ और सर मैंने रात भर में देख डाला सर, मैं मुझसे उठा नहीं गया, इतना बढ़िया शो है आपको. तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट एंड द बेस्ट. हमारा एक शॉट है फिल्म के अंदर साथ में, देखेंगे ना पूरे सीरीज में. बट हमारी बातें बहुत होती थी सेट पर, हम लोग बहुत, वो भी बहुत बातें करते हैं, मैं भी बहुत बात करता हूँ, तो मुझे दोस्ती हो गई उनके साथ में काफ़ी अच्छा. बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत कुछ उनको देख के सीखने को मिलता है. आप कभी सेट पे आएंगे उनको देखेंगे काम करते हुए, तो आपको पता चलेगा कि यार वो इतने सहजता के साथ काम करते हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं जिससे आपको बड़ा मज़ा आता है सीखने में. तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा जितने दिन में उनके साथ मैं रहा या काम किया, तो बड़े अच्छे इंसान है, बहुत मजाकिए हैं, बहुत खिलाते हैं. तो कंटेंट ऑब्वियसली इंडिया में इतना बन रहा है, और जो लिमिटेशंस थी हमारे पास कंटेंट की, हम ये कंटेंट दिखा नहीं सकते, या इस पर हम ये तो या तो इतना छोटा है जिसको हम एक टीवी शो नहीं कर सकते, या वो इतना बड़ा भी नहीं है कि हम उसे फिल्म बना सकें. सो ये कहीं ना कहीं अच्छी कहानियों को, अच्छे कॉन्टेंट को एक माध्यम मिल गया बनाने का, और लोग खुल के बना रहे हैं सारे शोज़. जो एक थॉट प्रोसेस है उसको पर्दे पे लेके आ रहे हैं. सो इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर आई थिंक कंटेंट और हम पूरी इंडस्ट्री के लिए. मेरे ख्याल से ये सब दोस्त हैं, प्रियामणि और मैं दोस्त हैं पुराने. डीके कृष्णा जो डायरेक्टर हैं वो साथ में, उन्होंने काम भी किया है एज एन एक्टर, तो उनको तो बहुत बुली किया हमने जब वो हमारे साथ एक्टिंग कर रहे थे, क्योंकि वो दो हैं, राज हैं, राज और डीके कृष्णा मेरे पड़ोसी भी हैं और वो डायरेक्टर भी हैं, बट वो एक्टिंग भी कर रहे थे मेरे साथ में. तो हमने प्लान बनाया था, मैंने और राज ने और प्रियामणि ने, कि ये जब सीन करने आएंगे तो ऑफ कैमरा डायरेक्टर है बट ऑन स्क्रीन तो एक्टर है, और तुमने बहुत खींची उनकी, बहुत टांग खिंचाई की वहाँ पर, बट वी हैड फन, बहुत मज़ा आया उनको उनकी क्लास लेने में वहाँ पर. तो बड़े नर्वस थे वो, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मेरी आवाज़ ठीक लग रही है, मैंने सब बढ़िया करो लाइन सर करके आओ पहले. ये बहुत कमाल था, बिकॉज हम लोग तो बुली कर ही रहते हैं उनको, जब उनका ही पार्टनर है राज, वो आके बोल रहे शट अप जस्ट डू योर लाइन्स, तो हम सब देखना क्या बोल रहे थे.
मेरे को दोस्त हैं इतने पुराने, साथ में उन्होंने करियर शुरू किया है, और उसने मतलब राज ने हमारे साथ टीम अप करके बहुत बुली किया डीके को, दैट इज फनी। देन एक सीन था जहाँ पर्टिकुलरली मुझे याद है, मैं और मेरा और प्रियामणि का सीन है। प्रियामणि बहुत पुरानी दोस्त है मेरी और अच्छी दोस्त है मेरी, उनके हस्बैंड भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक सीन था जिसमें वो बैठे हैं, काम की बात कर रहे हैं, सडनली मूवमेंट क्रिएट होता है उनके बीच में, आँख मतलब आई लॉक था, वो देखें और हम दोनों हंस पड़े उसके अंदर। फिर मैं तो उस पर शांत हो गया, वो हर टेक में हंसी जाए। बोले तो मैंने क्या हो गया तेरे को? बोले यार तू मेरा दोस्त है, मैं तो ऐसे कैसे देख सकती हूँ यार, मैं चुपचाप दिख रहा शिफ्ट बनने वाली है, उससे अच्छा कि तू देख ले मुझे 5 मिनट। तो एक काफ़ी सारे इंसिडेंस है, मनोज सर के साथ बहुत टाइम पास किया हमने, बहुत सारे वो खिलाते हैं बहुत सारी चीज़ें अपने घर से ला ला के, तो काफ़ी मज़े किए हमने शूटिंग के बीच में। यार मैं एक्टिंग इन्जॉय करता हूँ, मेरा सबसे वो है, हर आदमी से सवाल पूछता है क्या इन्जॉय करते हैं, बट मेरे लिए मीडियम इंपॉर्टेंट नहीं है यार, मेरे लिए वो काम इंपॉर्टेंट है। जो एक प्रोसेस होता है ना, एक शूटिंग, स्क्रिप्टिंग से लेकर शूटिंग शुरू होना, पोस्ट प्रोडक्शन, एडिट, रिलीज, प्रमोशन, उस सब प्रोसेस में बड़ा मज़ा आता है, और एक्टिंग उसका एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। तो मैं एक्टिंग को इन्जॉय करता हूँ, मैं मीडियम नहीं देखता हूँ कि यार ये टी वी है या एड फिल्म है या ये फिल्म बना रहे हो आप या वेब सीरीज है या म्यूज़िक वीडियो है, क्या है, मैं देखता हूँ कि ऐसे फुल मुझे काम करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहाँ मुझे काम करने में मज़ा नहीं आता तो वो काम में करते ही नहीं 100%। अब लोग समझ, देखिए वो टाइम था एक टाइम पर जब आप जब आपके पास ऑप्शंस कम थे, और तो आपको भी एक सिलेक्टिव एक शो बनाना ही पड़ेगा, मतलब जो आपके पूरे मासेस को केटर करता है, फैमिली मैन स्पेशली, बिकॉज फैमिली है, बच्चे भी हैं, एक अलग कैजुअल एक चल रहा है इधर वहाँ, एक मिशन चल रहा है यहाँ, टेररिस्ट भी है, केटरिंग टू ऑल द कम्युनिटीज इन द सोसाइटी। बच्चे भी देख रहे हैं उसको, उसको बड़े भी देख रहे हैं उसको, फौजी भी देख रहे हैं उसको, नौकरी पेशा भी देख रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं कि यार हाँ यार हम काम करने जाते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाते हैं, हमारी लगती रहती है हर जगह हमारी, तो बहुत मेल स्पेशली वो रिलेट कर रहे हैं। औरतें भी जो बच्चों को भी पाल रही हैं या फिर अपना घर चला रही हैं, वो दे कैन रिलेट टू इट कि यार हमारी लाइफ क्या है हमारे लिए, तो बहुत रिलेटेबल शो है एक तो। और आज की डेट में ना वेब में आपको ऐसा ही कंटेंट देना पड़ेगा जो सारे सब लोगों को केटर कर सके, वो एक सेगमेंट को अगर आप केटर करते हो ना तो फिर उसके नीच ऑडियंस बन जाता है, तो शायद सब लोग ना देखें उसे, बट ऐसे शो सब लोग देखेंगे। जितना इंतजार हमने एक फर्स्ट के लिए किया उतना ही, बिकॉज अभी शूटिंग शुरू हुई है, सो आई थिंक सेम टाइम नेक्स्ट ईयर आई थिंक, हाँ एक ऐसे छोड़ा, चार एंगल से छोड़ दिया उन्होंने शो, तो वो दैट्स अ हाई पॉइंट ऑफ द शो और हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे वहाँ से, बट एक साल तो वेट करना पड़ेगा बिकॉज शूटिंग में काफ़ी टाइम लगता है, फिल्म जैसी शूट होती है बड़ी सी काफ़ी, तो वो है, बट इंटरेस्टिंग है सेकंड सीन भी बहुत, इतना मैं बता सकता हूँ। ट्रेलर बहुत फनी है, मैंने भी कल ही देखा, बहुत फनी ट्रेलर है, बहुत मज़ा आया, तो मैं भी देख रहा हूँ फिल्म कैसी लोगों को पसंद आती है, आएगी ऑब्वियसली, लिखा हुआ है और ब्लॉक बस्टर उसके ऊपर, सो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वो एक सुपर हिट फिल्म होगी। जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो आप लोग काफ़ी सारा सपोर्ट रखते हैं मेरे लिए और रखते आए हैं आज तक, तो यही बरकरार रखिए मेरे लिए और बढ़ाइए थोड़ा सा, ये उम्मीद करता हूँ।